आप सभी ने भगवान राम और माता सीता की कई कहानियाँ सुनी और पढ़ी होगी, लेकिन एक कहानी ऐसी भी है जिसे आप लोग कम ही जानते होंगे। तो आज माता सीता के बारे में एक रोचक कथा लेकर आप लोगों के बीच आए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डी एन जर्नी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए कहानी के ओर चलते हैं। रामायण में श्री राम और माता सीता के वियोग की कहानी आप सभी जानते हैं। वनवास से लौटने के बाद एक धोबी के कहने पर माता सीता को राम से अलग रहना पड़ा था। क्या आपको पता है कि ये सब एक तोते की वजह से हुआ था, जिसने माता सीता को अपने पति का वियोग झेलने का श्राप दिया था। सीता माता जब छोटी थी तब अपनी सखियों के साथ बाग में खेल रही थी, तभी उनकी नजर तोते की एक जोड़ी पर पड़ी। दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे। सीता जाकर उनकी बातें चुपके से सुनने लगी। तोते की जोड़ी कह रही थी कि भविष्य में राम नाम का एक प्रतापी राजा होगा, जिसका विवाह सुंदर राजकुमारी सीता से होगा। सीता जी के पिता राजा जनक स्वयंवर रचाएंगे। इस स्वयंवर में खूब सारे राजा महाराजा दूर दूर से आएंगे। वह सभी राजा जनक द्वारा रखे गए धनुष को तोड़ने में असमर्थ होंगे। फिर दशरथ के पुत्र श्री राम उस धनुष को तोड़ेंगे और सीता जी उनको वरमाला पहना देगी। सीता जी उनकी बातों को ध्यान पूर्वक सुन रही थी। सीता जी को बहुत उत्सुकता हुई अपने भविष्य को जानने की। वह उन दोनों के पास गई। जब उन दोनों ने सीता माता को आते हुए देखा तो वह दोनों डर गए। वह डर के मारे उड़ने को तैयार ही थे कि तभी अचानक सीता जी ने उन दोनों को रोक लिया। सीता जी ने उन दोनों से कहा कि दोनों की डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सीता जी ने उन दोनों को आश्वासन दिया कि वही जनक पुत्री सीता है। उनकी यह बात सुनकर तोते की जोड़ी को चैन आया। सीता माता ने उनसे पूछा कि वह दोनों कौन से राजकुमार की बात कर रहे हैं। तब तोते की जोड़ी ने बताया कि वह अयोध्या के राजकुमार और दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र की बात कर रहे हैं। माता सीता ने पूछा कि जिस धनुष की तुम बात कर रहे थे, क्या उसे कोई नहीं तोड़ पाएगा? तो इस पर तोते ने कहा कि वह धनुष केवल रामचंद्र जी ही तोड़ पाएंगे। इसके बाद सीता माता ने पूछा कि उन दोनों को इतनी गहरी बात किसने बताई? तो तोते ने कहा कि उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के मुंह से ये बातें सुनी हैं। वे अपने आश्रम में शिष्यों को ये बात बता रहे थे। यह सारी बातें सुनकर सीता जी अपने आगे के भविष्य को जानने के लिए उत्सुक हो गई। सीता जी ने उन दोनों से कहा कि वह दोनों उनके महल में ही रहकर उनके भविष्य के बारे में बताएं। तो इस बात पर तोते ने कहा कि उसकी पत्नी गर्भवती है, इसलिए वह अभी तो महल नहीं चल सकते हैं, लेकिन बच्चे के जन्म के पश्चात वह दोनों सीता जी के महल जरूर आएंगे। लेकिन सीता माता उनकी बात को मानी नहीं और वह उन दोनों को महल में रुकने के लिए बाध्य करने लगी। सीता ने कहा कि वह और भी बातें सुनना चाहती हैं, इसलिए उन्हें नहीं जाने देगी। तोते की जोड़ी ने खूब विनती की, मगर सीता ने टस से मस नहीं हुई। बाद में सीता ने नर तोते से कहा कि ठीक है, वह उसे छोड़ रही है, मगर मादा तोते को वह अपने पास ही रखेगी। नर तोते ने कहा कि उसकी पत्नी गर्भवती है, ऐसा न करें, दोनों को साथ रहने दें। सीता ने उनकी एक न सुनी। उन्होंने नर तोते को तो छोड़ दिया, मगर मादा तोते को अपने साथ महल में बंदी बना लिया। तभी मादा तोता ने कहा कि वह आखिरी बार कहती है कि उसे सीता जी छोड़ दे, वरना वह उन्हें श्राप दे देगी। इस बात पर सीता जी ने कहा कि
राजकुमारी को कभी श्राप नहीं लगता है। अंत में मादा तोता ने श्राप दे ही दिया। मादा तोता बोली कि जैसे आज एक गर्भवती को अपने पति से अलग रहने के लिए बोला जा रहा है, ठीक वैसे ही सीता जी को भी अपनी गर्भावस्था में अपने पति से अलग रहना पड़ेगा। श्राप देने के तुरंत ही बाद में उस मादा तोता ने दम तोड़ दिया। नर तोता अपने साथी का वियोग सह नहीं सका। उसने सीता को श्राप दिया कि जैसे आज वह अपने जीवन साथी का वियोग सह रहा है, उसी प्रकार सीता भी एक दिन अपने पति का वियोग सहेंगी। तोते ने कहा कि आने वाले समय में वह तोता ही एक इंसान के रूप में जन्म लेगा और वही श्री राम को सीता जी को महल से निष्कासित करने के लिए बाध्य करेगा। सीता जी ने हाथ जोड़कर विनती की कि वह अपना श्राप वापस ले ले, लेकिन तोते ने एक भी नहीं सुनी और वह वहां से उड़ गया। यह तोता वही धोबी था जिसकी वजह से माता सीता को महल छोड़कर जाना पड़ा था। कुछ समय बाद तोते ने अपने प्राण त्याग दिए। सीता को जब पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। कहते हैं कि इसी श्राप के कारण सीता को अपने पति श्री राम से दूर जाकर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहना पड़ा। दरअसल श्री राम रावण का वध करके 14 वर्ष का वनवास खत्म कर माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे। उसके बाद कुछ लोग सीता की पवित्रता पर सवाल उठाने लगे। एक धोबी ने भरी सभा में सीता की निंदा की। इसके बाद श्री राम ने प्रजा को ध्यान में रखते हुए अपनी पत्नी सीता को महल से बाहर निकलकर जंगल में रहने का आदेश दिया। उस समय माता सीता गर्भवती थी। उन्होंने वाल्मीकि के आश्रम में ही अपने पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। कहते हैं कि जिस धोबी के कहने पर श्री राम को अपनी पत्नी को छोड़ना पड़ा, वो पिछले जन्म में वही तोता था जिसने सीता को श्राप दिया था। तो दोस्तों, कैसी लगी रामायण काल की यह रोचक कथा? अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया।